तेरा फोन सुहानी बेब, तू ग्राउंड से कहां भाग के जा रही है? रिया, ओ गॉड, रणवीर, शिट, ये सुहानी का फोन रणवीर के पास ऐसे आ गया? तुम्हारा फोन अभी। रिया कहाँ है? हल्के सुहानी, पता है ना माजी को क्या बोल के निकले? दोबारा खोआ लेने के लिए टाइम भी नहीं मिले। क्या हुआ बेटा, इतने घबराई हुई क्यों? मैं बाद में आपको सब कुछ बताऊंगी, भी चलो प्लीज। रणवीर, why did you hit him? Just because तुम टॉपर हो, that does not mean तुम कुछ भी करते फिरोगे यहाँ। पहले स्टेज पे रूड बने थे तुम, और अब इधर ग्राउंड में मारा मारी। अरे अपने गुस्से को कंट्रोल करना सीखो, नहीं होता है तो प्लीज अपना ट्रीटमेंट करवाओ। ट्रीटमेंट तब करवाता सर जब इसकी बात पे मुझे गुस्सा नहीं आता। इसने मेरी बहन पर कमेंट किया था। किस्मत अच्छी है इसकी कि अब तक जिंदा है। तो रेफरी को कंप्लेन कर देना था। फुटबॉल मैच में क्या बॉक्सिंग शुरू कर दोगे? अब इस कॉलेज की डिसिप्लिनरी बॉडी इस केस को रिव्यू करेगी, और अगर तुम गिल्टी प्रूव हुए तो जो मुझे सही लगा मैंने वो किया सर। जो आपको सही लगता है वो कीजिए। हां प्लीज टेक हिम टू डॉक्टर इमीडिएटली, इसकी ट्रीटमेंट कराओ प्लीज। यस सर। क्या हुआ सुहानी, फॉर्म नहीं मिला क्या? दो दो फॉर्म लेके आई है, फिर क्या हुआ, इतनी घबराई हुई क्यों है? माँ, वो बहुत गुस्से में था। कौन गुस्से में था? वो मैं टकराई, उसके बाद पेंट गिर गया, और फिर उसने बहुत बहुत मारा। मारा? किसने मारा तुझे सुहानी, मुझे बता किसने मारा अभी? नहीं, ना नहीं नहीं, मुझे नहीं मारा, वो उन लड़कों को बहुत मारा। सुहानी बेटा, बातें हैं रोटियां नहीं है जो गोल गोल घुमा रही हो। सीधे सीधे बता वरना मैं रिया को फोन करती हूँ। हाय रणवीर। वो लड़की कौन थी? कौन लड़की? जिसको तूने इस फोन पे फोन किया था, जो एडमिशन फॉर्म लेने आई थी और जिसने मेरी फुटबॉल जर्सी पे पेंट गिराया था।
ओ गॉड सुहानी, किससे पंगा ले लिया? अब तेरे बारे में बताऊंगी तो तुझे भी नहीं छोड़ेगा। पर्सनल डिटेल्स मांग रहा हूँ, उसकी मेडिकल रिपोर्ट नहीं मांग रहा हूँ जो इतना टाइम लग रहा है। वो प्रोफेसर निशांत है ना, वो मुझे कब से ढूंढ रहे हैं। आई हैव टू गो सी हिम, आई विल सी यू लेटर, ओके? ब्रो, ये फोन के साथ इतना स्ट्रगल क्या कर रहा है? यार वो मिस एडमिशन फॉर्म का एड्रेस चाहिए और उसका फोन लॉक है। तेरा फोन? उससे एक्सचेंज हो गया। ऐसे कैसे एक्सचेंज हो गया? आज फोन एक्सचेंज हुआ है, कल नंबर होगा, परसों दिल। तेरी मैच मेकिंग खत्म हो गई हो तो मेरे फोन पे फोन करेगा? हाँ भाई करता हूँ, अभी करता हूँ। जरूर कोई लफंगा होगा, पेड सीट पे आया होगा, कॉलेज में यही आवारा गर्दी करेगा। कल अगर गलती से डॉक्टर बन गया ना और पेशेंट फीस ना दे पाए तो ऐसे ही जानवर की तरह पीटेगा उन्हें। भाई वो फोन नहीं उठा रहा कोई। अरे भाई, पर फिर ऐसे इंसान को डॉक्टर बनना ही क्यों है? पेशेंट्स को बचाने के बजाय उनको मार मार के पेशेंट बना देगा वो तो। अरे डॉक्टर को बुलाओ यार जल्दी, इतना ब्लड निकल रहा है मुझे, स्टिचेस लगवाने पड़ेंगे। स्टिचेस की जरूरत नहीं है। चल हट, शिफ्ट हो। नॉर्मल ड्रेसिंग बैंडेज से ठीक हो जाएगा ये। तू क्या कर रहा है यहाँ पे? अबे तू दूर रहियो मुझसे, समझा? डॉक्टर, मैंने मारा है तो मुझे आइडिया है। आइडिया तो तुझे बिल्कुल भी नहीं है रणवीर, मैं क्या कर सकता हूँ? And I'm telling you, इस बार गलत बंदे से पंगा ले लिया तूने। अपने मॉम डैड से पूछना कि क्या वो तुझे किसी डॉग शेल्टर से अडॉप्ट करके लाए थे। ओए रणवीर, भागता बहुत है तू। रिलैक्स। डर गया भाई, डर गया ना कि कहीं मैं तेरी कंप्लेंट ना कर दूं, इसलिए बुली से सीधा भीगी बिल्ली बन रहा है। बेटा डरता तो मैं अपने बाप से भी नहीं हूँ, और तेरी जो ये चिल्लर जैसी जुबान है ना, इसे कम चलाया कर, वरना किसी दिन पूरा खर्च हो जाएगा। हाथ दे। तीन दिन का एक एंटीबायोटिक का कोर्स कर लेना और जब दर्द हो पेन किलर खा लेना। भाई, अरे किसी से मेरे नाम की सुपारी ली थी क्या? उस सनकी के आगे भेज दिया मुझे यार, हालत देख रहा है मेरी? फिर भी आज तक तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए मैं उससे पंगे लेता रहा। यार उसके साथ थोड़ा पर्सनल इश्यू है, इसलिए तुझे पर्सनल कमेंट करने के लिए कहा था, पर तू चिंता मत कर, उसने हमारे अगेंस्ट बहुत गोल मार लिए, लेकिन अब हम उसका डब्बा गोल करेंगे। बड़ी देर लगा दी। वो ट्रैफिक था ना, इसीलिए।
लो, लगता खोए की खुशबू सुनकर राकेश भी चला आया है। कहीं बाहर गए थे तुम दोनों? वो लाल पेड़े के लिए खोआ लाने गई थी। लाल पेड़े का खोआ मेडिकल कॉलेज में कब से मिलने लगा भाई? कॉलेज? हाय मैं मर जाऊंगा। इसका मतलब हंसी टटोली करके मुझसे झूठ बोला था, मैंने बेवकूफ बनाया था। जवाब दो सुधा, मां कुछ पूछ रही है। अपनी बेटी की आइडियल हो ना तुम, यही सिखा रही हो उसे झूठ बोलना और बड़े को धोखे में रखना? इस लड़की का ना फोन बंद नहीं होता। उठा देखो तो जरा कौन है ये। हेलो हेलो हेलो, मिस एडमिशन फॉर्म। सॉरी रॉन्ग नंबर। अरे रॉन्ग नंबर नहीं है, तुम ही हो क्योंकि वो फोन मेरा है। फोन रख भी दिया और काट भी दिया। ये फोन तुम्हें इसलिए लेकर दिया था कि लड़कों से मिलने मिलाने की बात करो। कौन है? कौन है ये बदतमीज? पापा ये फोन गलती से शायद जी बिस्वाने की कोई गलती नहीं है। मैं ही उसे जबरदस्ती लेकर गई थी और वहीं कॉलेज में शायद फोन अदला बदली हो गया। अरे गए क्यों थे कॉलेज तुम? एडमिशन का फॉर्म लेने के लिए। आपको सुबह बताने वाली थी। क्या क्या बताने वाली थी तुम सुबह मुझे? पापा मुझे डॉक्टर बनना है। रूहानी का बचपन से सपना था कि वो डॉक्टर। क्या हो गया तुम्हें सुधा? सुहानी को आज तक मैंने मोहल्ले में भी अकेला नहीं जाने दिया और तुम चाहती हो कि मैं लड़कों के साथ पढ़ने उसे कॉलेज में भेजूं? पापा वो माँ जागती आंखों की हकीकत और बंद आंखों के सपनों में बहुत बड़ा फर्क होता है। समझाओ इसे, एक गर्ल्स कॉलेज तक ठीक है लेकिन लड़कों के कॉलेज में पढ़ने नहीं भेजूंगा मैं।
अगर शौक ही पूरा करना है तो फिर ऑनलाइन सिलाई कढ़ाई का कोर्स करवा दो। चलो ठीक है। ले बेटा पानी पी ले। दिमाग को थोड़ा ठंडा रख। तुझे पता है ये अपनी बगल वाली कलेक्टर सुषमा है ना, वो अपने बाप से फुक्की पड़ी है। उसके बाप ने उसको पढ़ने नहीं दिया था ना, ब्याह कर दिया था। उसके पति ने उसको कोचिंग दिलाई, बंदी प्रॉप कर गई बैंक में, बन गई कलेक्टर। मैं ये कह रही हूँ जेकर उसको इतना ही पूत सवार है ना उस पर, तो उसे भेज दे डॉक्टर वाले कॉलेज। डॉक्टर की पढ़ाई कोई आसान थोड़ी है, चार दिन में बुखार उतर जाएगा, आ जाएगी वापस। तू नहीं रोका ना तो वो जिंदगी भर के लिए तुझे अपना दुश्मन मान लेगी। अगर सुहानी की सही जिंदगी के लिए मुझे उसकी नजरों में गलत भी होना पड़े तो मुझे मंजूर है माँ, लेकिन लड़के लड़कियों के कॉलेज में पढ़ने तो नहीं दूंगा मैं उसे। भाई ये ले चिल कर। अबे बेटा बियर हो गया मैं जो मुझे चिल कर रहा तू? लगा लेना भाई, आराम मिलेगा, चोट लगी है। लगा लेना प्लीज। नमस्ते भैया। नमस्ते। लो भाई आ गया माँ की ममता हैम्पर। बोल तो सही, माँ को किसने बताया? हमने नहीं बताया, हमने नहीं बताया। रणवीर तुम्हारी मम्मी का वीडियो कॉल। हाँ ममता। देख तेरे लिए हल्दी वाला दूध, पेन किलर्स और काढ़ा सब भिजवाया है। चल अब अपना पूरा चेहरा दिखा। यार ममता फ्रूट मार्केट में रखा हुआ एप्पल थोड़ी हूँ जो हर तरफ से घुमा घुमा के देखोगी कि कहीं दाग धब्बे तो नहीं लगे। ये देखो। तेरे पापा ने बताया मुझे बहुत बड़ा झगड़ा हुआ है ना फुटबॉल मैच में। यार एक तो ये समझ नहीं आता कि तुम्हारे पति को मुझसे ऑब्सेशन क्या है, ये हमेशा मेरे पीछे जासूस क्यों छोड़ के रखते हैं। बेकार की बातें मत कर, चल कसम खा अगर तुझे ज्यादा नहीं लगी तो। यार माँ हो कि सिनेमा हो बात बात पे फिल्मी डायलॉग बोलने लग जाती हो। यार कुछ नहीं हुआ है मुझे, थोड़ी बहुत चोट है, मुझे अपना इलाज करना आता है, डॉक्टर बनने वाला हूँ मैं, और वैसे भी तुम्हारा बेटा कॉलेज टॉपर है। चुप कर, अपने बच्चे के लिए माँ से बड़ा डॉक्टर कोई हो ही नहीं सकता। अच्छा सुन, आज ना सब लोग एक फंक्शन के लिए चंडीगढ़ गए हुए हैं, मैं अकेली हूँ, अकेले मन नहीं लग रहा, तू आएगा क्या? आज नहीं कल आऊंगा, आज दादू भी घर पे नहीं होंगे और आपके पति की शक्ल देख के मेरा दिमाग खराब होगा, फिर आपका मूड और घर का माहौल दोनों खराब हो जाएगा। अपनी माँ से मिलने के लिए इफ बट, कल पक्का आएगा ना? डन, कल आता हूँ। ठीक है, अब तू प्लीज अपनी कोल्ड ड्रिंक छोड़ और जाके खाना खा ले। दिन भर तू फालतू चीजें खाता रहता है। ये नहीं कि कुछ हेल्दी खाए, पता नहीं कैसे डॉक्टर बन रहा है तू, अपना ख्याल तो तू रख नहीं सकता, मुझे समझ में नहीं आता पेशेंट्स को कैसे संभालेगा। मेरी माँ अगर सारे लेक्चर तुम दे दोगी तो उन प्रोफेसरों की नौकरियाँ चली जाएगी, उनके लेक्चर बाकी हैं अभी। अच्छा ठीक है, मैं फोन रखती हूँ, बट आई विल सी यू टुमारो। ओके बाय माँ।
वो लाल पेड़े चक्के देखिए ना कैसे बने हैं। एक बात कहूं, आप गुस्सा तो नहीं करोगे? बोलो। आप क्यों इतना गुस्सा करते हो? फिर सर तो दुखेगा ही ना। क्या लगता है तुम लोगों को कि मैं दुश्मन हूं उसकी खुशियों का, उसके सपनों का? सुधा, अगर मेडिकल की पढ़ाई करनी है तो किसी गर्ल्स कॉलेज में एडमिशन ले ले, लेकिन लड़के लड़कियों के कंबाइंड कॉलेज में पढ़ने नहीं भेजूंगा उससे मैं। शहर का माहौल इतना खराब है, ऐसे माहौल में अपनी बेटी को अकेला कैसे छोड़ दूं मैं? तानी पापा मानेंगे भैया नहीं। पता है ना, बाप का कंधा बेटी के कदमों का मोहताज होता है। कल को गलत रास्ते पे चली गई तो? मुझे अपने संस्कार और परवरिश पे पूरा भरोसा है। आपकी नजरें ना झुके इसलिए हमेशा खुद का सर झुकाकर चली है वो। जो दिया है बस उसी में खुश रही है, बस अपना एक सपना मांग रही है। इतना तो दे ही सकते हैं ना उसे? देखिएगा, जब वो कॉलेज टॉप करेगी ना तो सबसे पहले आप ही पूरे मोहल्ले में मिठाई बांटोगे। दादी मुंह खोलो। अब मेरे पेड़े खाए हैं तो मेरी चीनी का हक तो अदा करना ही होगा। चले, मैं नहीं देने वाली तुझे वाईफाई का पासवर्ड। वाईफाई का पासवर्ड नहीं, आपकी हाईफाई सिफारिश चाहिए। दीदी के लिए पापा को मनाओ ना, डॉक्टर बन जाएगी तो आप ही का फायदा है। बूढ़ी हो रही हो, वीआईपी वार्ड में ट्रीटमेंट मिलेगा वो भी फ्री। ओए, बुड्ढी होगी तेरी माँ। ये पट्टी तुझे तेरी माँ ने पढ़ाई होगी, है ना? तू तो खेलने गया था, पर तुझे कैसे पता? मुझे तो सब पहले से ही पता है। इसका मतलब इस घर में सिर्फ मैं ही पढ़ाई हूँ? अरे तब श्योर नहीं थे कि दीदी पास होगी, अब मनाओ ना पापा को। दादी बस एक बार पापा से बात करो ना, पक्का प्रॉमिस, इसके बाद कभी कुछ नहीं मांगूंगी। मैंने तेरे पापा से बात की थी, साफ मना कर दिया, और दोबारा मेरे में हिम्मत नहीं है मधुमक्खी के छत्ते पे हाथ मारने की। सुहानी, बैठ बेटा। बहुत मन है तेरा उस कॉलेज में पढ़ने का, पता है तेरी दादी क्या कहती है? तेरी दादी अक्सर कहती है कि बेटे देसी घी के लड्डू होते हैं, टेढ़े मेढ़े चाहे जैसे भी हो चलता है, बेटियां तवे की रोटी की तरह होती हैं, जरा सी भी सेक ज्यादा लग जाए ना तो दाग लग जाता है। और बेटा मैं तुम्हें जमाने की हर सेक से बचाना चाहता हूं, इसलिए गुस्सा करता हूं। खैर, ये जो तेरा सपना है ना, ये मेरी फिक्र से कहीं बढ़कर है। और जिंदगी में पहली बार खुलकर तूने मुझसे कुछ मांगा है तो ना नहीं करूंगा बेटा। मेरी तरफ से हाँ है।